इसलिए ओटीपी आ चुका है, तो कोड मैसेजेस है ये ऊपर लिखा हुआ है कोड, ठीक है। देखते हैं 3 3 4 8, जैसे कि आप देखते हैं। आप नंबर, उम्मीद करता हूँ कि आप हैरिस से होंगे। तो बेसिकली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि हमें ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आज की वीडियो कम अज़ कम पूरी देख लें, फिर आपको मैं बताता हूँ कि आपको ओटीपी क्यों नहीं रिसीव होता। और ओटीपी आज मैं आपको बताता हूँ, कन्फर्म बताता हूँ, 100% 110% बताता हूँ, आज की वीडियो में आपको ओटीपी ज़रूर रिसीव होगा। आपको इंस्टाग्राम पे नहीं आना पड़ेगा, आज वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा कैसे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर है। जस्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, और लाजमी बेल आइकन को प्रेस करके आप रखना है, ताकि आने वाली तमाम वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको रिसीव हुआ करें। सब्सक्राइब भी लाजमी कर देना, कॉमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। काफ़ी मेहनत करके मैंने वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और काफ़ी मैंने इससे इसके बैकग्राउंड वीडियो में बताऊँ ना आपको, काफ़ी मैंने मेहनत किया, काफ़ी रिसर्च किया, फिर जाकर मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आपके लिए है, क्योंकि अक्सर लोग मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा, बल्कि हेड्स वगैरह सब कुछ। मुझे वैसे ही इसको फोकस नहीं लेता था इतना, लेकिन मैं कहता हूँ कि आपका कुछ भला हो जाए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको नंबर रिसीव हो। और मैं आपको बताता हूँ कि आप इसको आज की वीडियो में बताऊँगा कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं, आज की वीडियो में बताऊँगा कैसे आपने अर्निंग करनी है जी मेल को सेल करके, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त जाए के। सबसे पहले हम बेसिक्स से अपनी जो करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, और अपनी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन वगैरह अपलोड कर देते हैं, ठीक है। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो आज बेसिकली मैं आपको चार एप्लीकेशन शेयर करूंगा, ये आपको मैं शुरू से बताता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपना बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो है, नाम वगैरह जो है, हम पुट करते रहते हैं, वो हम सिंपल तरीके से पुट कर देते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट के ऑप्शन में हम सिंपली क्लिक किया, और यहाँ पे हमने अपना जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ पुट करते हैं, हमने वो सारी चीज़ें पुट कर देनी है। देन अपना ईयर वगैरह पुट कर देते हैं, और सारी डिटेल्स वगैरह पुट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आप बेशक ये चीज़ ये स्टेप बेशक आप मिस स्किप कर दें, क्योंकि आपका मुझे लगता है कि कन्फर्म मैं बताता हूँ कि आपका जो कंसेप्ट होता है, बेसिकली आपको वीडियो देखते हैं आप, वो देखते हैं फ़ोन वाले सेटअप पर जाकर, वहीं पर आपने देखनी होती है। लेकिन यह है कि ये वीडियो बनानी पड़ती है हमें पूरी, ताकि आपको समझ में आ जाए, इसलिए। तो आप बेशक वीडियो यहाँ से स्किप करके आगे ले जाएं, जहाँ पे आपको फ़ोन नंबर चाहिए। शुरू में अगर बिगनर हैं तो फिर आप पूरी वीडियो देखें, अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं तो आप डायरेक्ट फ़ोन नंबर पे ले जाएं, अपनी वीडियो देखें। आप वीडियो को देखेंगे, जितना आपको फ़ायदा होगा उतना मुझे सोचूंगा कि मेरा जो काम है वो कम्प्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब मैं आप सामने सबसे पहले एक बात बता चलूँ, कि जो भी मैं एप्लीकेशन आप सामने शेयर करता हूँ, उसको अनइंस्टॉल बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि अगर आप अनइंस्टॉल कर देते हैं तो नंबर जो है वो डेली बेस पे अपडेट होते हैं। अब जो डेली बेस पे नंबर अपडेट होते हैं ना, जो ही अपडेट होते हैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। जब आप नोटिफिकेशन आएगा, आपने फ़ौरन उस एप्लीकेशन पे लॉग इन, मतलब कि इंटर हो जाना है एप्लीकेशन ऑन करके, उस पर जी मेल अकाउंट ना देने, और जो ही आप जी मेल अकाउंट बनाएंगे उसके अलावा आपके अलावा कोई और जी मेल अकाउंट नहीं बना पाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता होता हूँ कि आपने अनइंस्टॉल बिल्कुल ना किया करें। आज मैं आप सामने दो एप्लीकेशन शेयर ऐसे करूँगा, जो अगर आपने अनइंस्टॉल की हुई तो आपको उसका नुकसान होगा, अगर आपने अनइंस्टॉल ना की हुई तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। उसके बाद मैं आप सामने असली एप्लीकेशन भी शेयर करूँगा, ठीक है। सबसे पहले एप्लीकेशन है रिसीव SMS, इसको भी बता दूँ कैसे आपने डाउन कर लें। सबसे पहले आप देख लें, बहुत पुरानी एप्लीकेशन। बेसिकली ये एप्लीकेशन है असली एप्लीकेशन, जो मैं बताता हूँ, 1 मंथ या 2 मंथ हो चुके हैं, इसने अभी तक कोई नंबर नहीं दिया था, लेकिन कल ही मुझे मेल, सॉरी, कल ही मुझे मैसेज आया है कि ये देख सकते हैं आप, ये 1 डे अगो 1 डे अगो 1 डे अगो, 1 दिन पहले ही मैं सामने OTP रिसीव हुए हैं, इसमें OTP भी रिसीव हुए, नंबर आए थे मेरे पास, ठीक है, फाइनलैंड के। अब 3 4 नंबर इस एप्लीकेशन में अपडेट हुए हैं, इसका मतलब ये एप्लीकेशन आप अपडेटेड नंबर दे रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरी एप्लीकेशन की तरफ, वो मैं आपको सामने शेयर करता हूँ, जो दूसरी एप्लीकेशन है वो कैसे आपको अनलिमिटेड नंबर देती है। और मैं बताता हूँ कि एप्लीकेशन आपने अनइंस्टॉल करके रखी हुई है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। अब ये एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इसका नाम भी रिसीव SMS ही है, डाउनलोड कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप देख लें, USA का नंबर देखते हैं, 12 आवर्स अगो 2 एप्लीकेशन 2 नंबर अपडेट हुए हैं, ठीक है। दूसरा कनाडा का नंबर है, वो अपडेट नहीं हुआ, चलें खैर है। यूनाइटेड किंगडम के नंबर इसमें अपडेट हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसमें फाइनलैंड के नंबर जैसे कि आप देख सकते हैं वो अपडेट हुए हैं, ठीक है। क्या दे रही है आपको, रियल नंबर दे रही है और ट्रस्टेड नंबर दे रही है, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन आपने बिल्कुल अनइंस्टॉल नहीं करनी, अब ये डेली बेस पे आपको अपडेट नंबर देगी और नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने फ़ौरन इस पर लॉगिन होकर अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं उस एप्लीकेशन की तरफ जिसका लोगों का इंतज़ार था, ये वो एप्लीकेशन, जैसा कि आप मेरा बैलेंस देखते हैं 50p है, मैंने इसमें बैलेंस ऐड किया है। अब
इसमें बैलेंस कैसे ऐड करना है सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूँ, ठीक है। आप इसमें पी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे आपको 0 0 लिखा हुआ आएगा जहाँ पे आपका, ठीक है। इस ऑप्शन पे जो भी क्लिक करेंगे ऐसे कहते हैं दो पाकिस्तानी 240 रुपये का 50 पी मिलते हैं, और मैं बताता हूँ कि जो नंबर यहाँ पे मिलेंगे वो 5 से 6 पी में मिलेंगे, ठीक है। तो बड़ा आसानी से मिल जाएंगे आपको नंबर, ठीक है। अब हम देखते हैं पॉपुलर वाले नंबर पे क्लिक करते हैं, हमें चाहिए ना जीमेल का नंबर, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तानी है, कोलंबिया, इंडोनेशिया, काफ़ी सारी कंट्रीज नंबर अवेलेबल हैं, तो हमने सबसे पहले कोलंबिया का नंबर देखते हैं हमारे पास जो नंबर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल, ठीक है। तो ये बात आपने बाजें रखनी है, अगर आपका नंबर बास्केट क्या होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, मैं जो पेड नंबर भी होते हैं वो भी अवेलेबल नहीं होते, लेकिन परेशान नहीं होना, इन एप्लीकेशन की ये खासियत है कि अगर सामने नंबर अवेलेबल नहीं है तो वो आपका जो फंड है वो रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो आपने इस बात से परेशानी होना, ठीक है। आप एक्टिवेट के नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब ये नंबर हमारे पास मिल चुका है, ठीक है। अब ये नंबर हम ट्राई करते हैं इस पर, आप देखते हैं तरीके से हमने ये नंबर लिपाई का लिया, हम इस नंबर को हम लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 573232476760609884, ठीक है। अब देखते हैं इस पर ओटीपी रिसीव होता है कि नहीं होता, तो जैसे थे वो कह रहा है 2 मिनट टाइम, कोई बात नहीं, हमने क्या करना है 2 मिनट टाइम कह रहा है, हमने सिंपली कैंसिल कर देना, ठीक है। अब देखते हैं इफ़ यू डू नॉट लाइक द नंबर यू कैन, बाद आप उसमें 2 मिनट बाद आपके सामने क्या होगा, नंबर आ जाएगा कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, इजीली कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बस मैं ये मैं आपको बताता था कि आपके फंड जो है इजीली कैंसिल हो जाते हैं, इससे बाद में परेशानी होना, ठीक है। अब हम अगेन सर्विसेज के ऑप्शन पर चलते हैं, मैम के नंबर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, हमने सर्विसेज के ऑप्शन पर चलते हैं, हमने नंबर देख लेना जो हमारे पास अवेलेबल होगा, हम उस पर नंबर जो कोड रिसीव कर लेंगे, ठीक। तो बेसिकली काफ़ी मेहनत के बाद हमें ये मतलब इंग्लैंड का नंबर है उस पर जो आ चुका है कोड ओटीपी, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि उधर से उन्होंने ओटीपी सेंड कर दिया, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि ओटीपी इसके आने का, ठीक है। अभी हम आपसे देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है, तो कोड है मैसेजेस है ये ऊपर लिखा हुआ है कोड, ठीक है। देखते हैं 3 3 4 8, जैसे कि आप देखते हैं अब नंबर होते हैं बहुत का नहीं अवेलेबल होते, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशानी होने इस बात पर 3 4, ठीक है। अब जो ही नंबर बस अवेलेबल चुका है, देखिए आपसे कोड रिसीव हो चुका है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया तो ये हमारा जो है अकाउंट जो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्किप के ऑप्शन में मैं क्लिक किया तो ये हम दूसरा नंबर जो है पहले वाला हमने इसको कैंसिल कर देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। पहला नंबर जो है हमारे पास अवेलेबल आ चुका है, इस पर कोड भी आप देख सकते हैं रिसीव हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन में मैंने क्लिक किया तो हमारा जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं, आप बैक करके देख सकते हैं वही जी मेल अकाउंट मैंने यूज़ किया जो मैंने पहले यूज़ की थी, ठीक है। मैंने अभी इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसको मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब देखते हैं 25 मेरे कॉइन्स खत्म हो चुके हैं, मैं यहाँ पर दोबारा इसको कैंसिल करूंगा, मुझे 15 कॉइन्स उन्होंने काटे हैं यूएसए के नंबर से, इसके यूके के नंबर पे, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ये कैंसिल कर चुका हूँ, मेरे जो दोबारा कॉइन्स है 35 हो चुके हैं, 35 दोबारा मेरे कॉइन्स हो चुके हैं। अब ये नंबर जो हमारे पास रिसीव हुआ था इस पर हमारा कोड भी रिसीव हो चुका है, वेरीफिकेशन कोड और गूगल वेरीफिकेशन कोड, ठीक है। ये हमारा अकाउंट था जो हमने रिसीव बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं इसको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि आपको कि वही जो अकाउंट है जो हमने अभी भी बनाया है, ठीक है, वही जीमेल अकाउंट है। हमारे कितने पैसे खर्च हुए हैं मैं बता देता हूँ, 35 थे ना, मतलब कि हमारे पास 40 को थे ना, तो 50 थे सॉरी, तो हमारे पास 15 हमारे पी ख़त्म हो चुके हैं, 15 पी पे हमें एक नंबर रिसीव हुआ है, ठीक है, जिस पे हम जीमेल अकाउंट भी बना सकते हैं, अब हम इस पे यूट्यूब का अकाउंट भी बना सकते हैं, गूगल का कोई भी अकाउंट आप इजीली तरीके से आप इस नंबर पे बना सकते हैं, ठीक है। ये नंबर हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, अब ये हमारे पास सिस्टम हो गया कंप्लीट इसका। तो ये थी आज की वीडियो जो आपको बतानी थी, मैंने कहा ये आपको प्रूफ ही दिखा दिया कि इस पे आप अकाउंट वगैरह ऐड करें, मतलब कि पैसे वगैरह फंड वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब इसके मेरे जो फंड ऐड हुए हैं मैं आपको बताता हूँ कि जो फंड ऐड हुए हैं मेरे 240 रुपये ऐड हुए हैं, तो अगर मैं 240 में से अगर मैं इसको 35 कॉइन्स बनते हैं तो इसमें 50 बनते हैं, तो 50 में से 15 मेरे कम हो गए, इसका मतलब 60 रुपये मेरे कम हो गए, और 60 रुपये में मेरा एक अकाउंट मुझे रिसीव हुआ है एक नंबर, ठीक है। अब जो 60 रुपये मुझे एक नंबर रिसीव हुआ है, यही 60 रुपये का एक नंबर में अगर आप कहीं सेल करना चाहूँ तो बड़ी आसानी से मैं कहीं सेल कर सकूँगा, फाइवर अपवर्क में वगैरह में, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ कि वर्क ऑफ ईमेल मार्केटिंग और ईमेल सेलिंग इन फाइवर एंड अप वर्क, ठीक है। अब जो ईमेल के जो काम है देखते हैं, रिमोट ईमेल मार्केटिंग जॉब्स इन 2021 द वर्क ऑफ ईमेल, ठीक है। देखते हैं ईमेल मार्केटिंग सर्विस बाय फाइनेंसिंग, ये ऑप्शन अवेलेबल है। अब वर्क में हायर द बेस्ट ईमेल मार्केटर इन डेवलपिंग, ठीक है। देख सकते हैं अब सारा चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, लोग काफ़ी सारे लोग जो है ईमेल की मार्केटिंग कर रहे हैं और ये ईमेल सेल कर रहे हैं काफ़ी सारे लोगों को, ठीक है। तो आप भी चाहें तो ईमेल को आप 60 रुपये में लें और वहाँ पे 100 150 150 रुपये में खरीद बेचें, तो बड़ी आसानी तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं 50 60 60 रुपये का। छोटों छोट स्टार्टिंग में बेसिकली इसकी जो आपका जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा
कम होगा, लेकिन आने वाले वक्तों में आप काफ़ी हाई इनकम रिसीव कर सकेंगे इसमें से। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो लाजमी वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। और ये मैं आपको बता चलूँगा, आपने वीडियो को बैक नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ कि अब जो मैंने ऐप यूज़ किया आपने उसको डाउनलोड कैसे करना है। परेशानी होना, सब चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको जो ऐप है वो उसको आपने डाउनलोड कैसे करना है। सिंपली आपने प्ले स्टोर में चले जाना है। मैं आपको तीन एप्लीकेशन बताई हैं, तीनों एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे SMS रिसीव के ऑप्शन की तरफ। तो ये आपको दे पहला नंबर पे आपको सामने ये जो एप्लीकेशन है जो पेड मैंने यूज़ किया, जिसमें मैंने अपने मतलब क्रेडिट वगैरह ऐड किया, इसका SMS एक्टिवेशन रिसीव SMS। ये आपको इसका मतलब एक दो ट्राई के बाद आपको कुछ कंट्री के नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कंट्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। मुझे UK का नंबर मिला है, आपने पहले UK का नंबर ट्राई करना है, मे बी आपको UK का नंबर पहले मिल जाए, ठीक है। ये थी पहले एप्लीकेशन। तो उसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन मैंने यूज़ किया है, जो मैंने आपको बताई है, वो एप्लीकेशन है ये वाली रिसीव SMS ऑनलाइन, ठीक है। इसको भी आपने लाजमी डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि इस पर भी अपडेट नंबर आते रहते हैं, तो मे बी आपके सामने इस पर भी OTP रिसीव हो जाए। ये फ्री है, ठीक है, ये भी फ्री है। आपके सामने दूसरी एप्लीकेशन में शेयर करता हूँ जो मैंने आपको बताई है, ये है रिसीव SMS ऑनलाइन, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसको मुझे यूज़ करते हुए 6 से 7 मंथ हो गए इस एप्लीकेशन को। ये एप्लीकेशन अगर नंबर जो ही अपडेट करती है तो उस पर OTP 100% रिसीव होता है मुझे। और ये एप्लीकेशन मैंने इसलिए रखी हुई है साइड पे कि इस पर अपडेट आते रहते हैं, बाज़ का 1 मंथ बाद आ जाते रहते हैं, बाज़ का क्या होता है वीकली आ जाते हैं, बाज़ का क्या होता है डेली बेस पे आ जाते हैं, इसलिए मैंने एप्लीकेशन रखी हुई है। ये थी वो तीन एप्लीकेशन जो मैंने आपको सामने शेयर करनी थी। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकें इजीली तरीके से, कोई आपको इंस्टाग्राम पे आने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको हर वीडियो में एप्लीकेशन का लिंक यहीं पे दे दूंगा। अब मैं आपको पेड अनपेड सारी एप्लीकेशन शेयर करूंगा और ट्रस्टेड एप्लीकेशन शेयर करूंगा जिस पे आपको OTP रिसीव होगा। अगर आपको वीडियो आज की पसंद आई है तो मुझे लाजमी लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी करना है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आज की वीडियो आपको कितनी अच्छी लगी है, ठीक है। अभी के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।